लोग 100 रन से पिछड़ा हुआ है और चार विकेट चले गए, तो ऑब्वियसली श्रेयस और पंत अभी भी ड्रेसिंग रूम में, वो कितना बूस्ट करता है, वो कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि अभी भी दो मेन बैटर्स है जो अभी आने वाला है, कितना मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो चार विकेट गए, क्योंकि अभी 80 रन कुछ मानना है, तो एक भी बैट्समैन ठहरा है, अक्षर इतना पॉजिटिव इंटेंट है उसका, इतना अच्छा खेल रहा है, तो एक भी बैट्समैन सेट हो जाता है तो हम लोग को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अक्षर का भेजने का है वो तो मैनेजमेंट का कॉल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक राइटी और लेफ्टी रहेगा तो बॉलर्स को डिफिकल्ट होगा कि राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर, तो वो लाइन वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कि राइटी को एक एरिया डालना पड़ेगा फिर लेफ्टी को, मेरे ख्याल से इसीलिए वो कॉल ले गए। तो दूसरा मैच को आप अभी किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ थोड़ा मतलब दो विकेट एक्स्ट्रा गिर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास भी अक्षर इतनी अच्छी सेट खेल रहा है, वो अच्छा इंटेंट दिखा रहा है, और ऋषभ है, इसके बाद फिर शेयर्स है, तो हम लोग ज़्यादा चिंते की बात नहीं है। हाँ एक मुझे एज अ बॉलर जब भी पैड को लगता है तो लगता है कि वो आउट है, बट इम्पैक्ट बहुत ही मतलब जब बॉलर कीपर और बॉलर का बहुत ही जब रिव्यू लेना है तो हम बॉलर और कीपर का एक बात होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इम्पैक्ट और किधर लग रहा है वो ज़्यादा कीपर को लगता है, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो रिव्यू के बारे में कि वो सीधा सामने खाया, तो इसीलिए मैंने कन्विंस किया था कि वो रिव्यू के लिए, बट वो हो नहीं पाया। तो मेरी बॉलिंग के बारे में ये है कि ये विकेट पे तो फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, तो जितना हो सके उतना हार्ड लेंथ पे हिट करते गए तो वो एक पेस से वो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, तो हमारा यही कि प्लान था कि जितना हो सके वो एरियस पे हिट करते जाए, और आप लोग भी देखें वहाँ से विकेट भी मिले। हाँ क्योंकि जैसे उन लोग का बैट्स वो विकेट कीपर आके थोड़ा अटैकिंग करना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद लिटन भी थोड़ा अटैकिंग करने से थोड़ा वो इन लोगों के पास मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ, वहाँ पर 30 रन थोड़े ऐड हो गए, बट कोई इतना चिंता की ज़रूरत नहीं। या एग्जैक्टली क्योंकि क्राउड वहाँ से चिल्ला रही थी कि वो ये वो, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि क्राउड ने ये सब वहाँ से, जब मैं LBW के बारे में वो तस्कीम को LBW किया था तो अंपायर ने आउट दिया था, फिर जैसा मैं पीछे गया था वो कुछ बोल रहे थे क्राउड ने, थे दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक। हाउ डू यू सी योर राइवलरी अगेंस्ट लिटन दास? नथिंग इज, कुछ नहीं है यार लिटन दास के साथ, इज अ जेंटलमैन गेम मैन। ये सीरीज काफी अच्छे स्पिरिट में खेला गया है, मगर एक आज इंसिडेंट हुआ जब विराट आउट हुआ, समथिंग लग रहा था प्रेस बॉक्स से समथिंग हैज बीन टोल्ड टू विराट, जिस तरह से वो रुक गया फिर वापस चलने लगा, दिस इज बिकॉज एक अच्छा स्पिरिट में ये सीरीज हुआ, मगर दैट वाज अ बिट ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट दैट हैपेंड। टू बी ऑनेस्ट जब वो टाइम पे मैं आइसबॉल ले रहा था मुझे पता नहीं वो क्या हुआ सीरीज, आई स्वेयर मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि वो टाइम पे क्या हुआ था। There are some chatting and that's common in cricket.
I understand. But Nitin is now is going to play in IPL. So can we expect this rivalry will be continuing there as well? अरे नहीं यार, इतना ज़्यादा सोचने की क्यों, एक फास्ट बॉलर को रहता है कि थोड़ा चिट चैट करे बैट्समैन के साथ, जाके उसका जो फोकस रहता है थोड़ा हटे, फिर वो मुझे फिर बोले, तो वो एक एक थोड़ा सा रहता है वो, ज़्यादा कुछ नहीं, रिवेलरी नहीं है, कुछ नहीं है वो, बस ऐसी एक थोड़ा फन। थैंक यू सिराज भाई, थैंक यू।